आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बौद्ध सम्राट कनिष्क, इनके विषय में कुछ जानकारी आप तक इस बात के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली बार भी हमने कनिष्क को जाना समझा, अब कनिष्क की एक बात आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं। कनिष्क का जो काल रहा है, सम्राट कनिष्क का, तो उनके काल में जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर बहुत सारे देवताओं को उत्कीर्ण किया गया है। उनके सिक्कों पर बहुत सारे देवताओं को देखा गया है और इनमें अधिकांश जो है वो झोराष्ट्रियन देवता है। इनमें ग्रीक जो हैं वो देवता भी हैं। तो ग्रीक संस्कृति में और झोराष्ट्रियन संस्कृति में जिस तरह के देवताओं की पूजा हुआ करती थी, वो भी इसमें इनके सिक्कों पर उत्कीर्ण दिखते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताएं कि जैसा हमने पहले देखा पिछली कड़ियों में कि सम्राट कनिष्क का कर्म फल पर कोई विश्वास नहीं था। वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि कर्म का कोई फल हो सकता है, और इस बात का भी कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता कि वे वास्तव में किस धर्म को मानते थे जब उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया था। ये बात अगर हम देखें तो ये चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग के इस यात्रा वर्णन में मिलती है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई खास जानकारी इतिहास में भी नहीं मिलती कि राजा कनिष्क ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म को मानते थे। तो इसलिए हम लोग इस बात पर पहुंच जाते हैं कि कनिष्क बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किसी भी धर्म को नहीं मानते थे, क्योंकि वे ना कर्म फल पर विश्वास करते थे, ना किसी आत्मा पर विश्वास करते थे। लेकिन उससे पहले इस बात का भी कोई जिक्र नहीं मिलता कि वे बौद्ध थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया इसका जिक्र मिलता है एक निश्चित समय पर। तो इसलिए उससे पहले वो क्या थे ये नहीं मानते, लेकिन उनकी प्रैक्टिसिंग में ना कर्मफल पर विश्वास है, ना कहीं वो किसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ये भी नहीं मिलता है, लेकिन उनके सिक्कों पर देवताओं के चित्र जरूर उत्कीर्ण मिलते हैं। एक बात और भी मिलती है कि वो जो कर्मफल को नहीं मानता है वो ईश्वर पर विश्वास करता होगा या नहीं, ये भी इस वक्त नहीं कहा जा सकता। राजा मिलिंद की तरह कनिष्क भी बौद्ध हुए। जैसे राजा मिलिंद बौद्ध हुए थे, वैसे ही कनिष्क भी बौद्ध हुए हैं, उन्होंने दीक्षा ली है। पंजाब में आकर बसे विदेशी शासकों को बौद्ध धर्म ने बड़ा प्रभावित किया था और जाति विहीन तथा वर्ण विहीन बौद्ध समाज व्यवस्था उन कई बातों में से एक थी जिन्होंने इन लोगों को आकर्षित किया। ये जो बौद्धों की विशेषता रही है कि ये जाति विहीन और वर्ण विहीन समाज व्यवस्था बौद्धों की रही है, और ये बहुत सारे लोगों का आकर्षण रही है। हम देखते हैं कि नालंदा में, तक्षशिला में, विक्रमशिला में जो विदेशी छात्र पढ़ने आते थे वो इस व्यवस्था से बड़े प्रभावित हो जाते थे। तो ये बात भी देखने को मिलती है, और इसलिए राजा मिलिंद और कनिष्क भी इसी सब व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। राजा मिलिंद के काल में ही सर्वस्तिवाद गंधार तक पहुंच चुका था, और कनिष्क के काल में गंधार के सर्वस्तिवाद के आचार्यों में तथा कश्मीर के आचार्यों में मतभेद हो गया। अब ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि जहां दो विद्वान इकट्ठे हो जाते हैं वो एक दूसरे की बात से सहमत हो ही, ये तो कहा नहीं जा सकता। और इसलिए ये दोनों आचार्यों में, जो कश्मीर के आचार्य थे वो और जो गांधार के सर्वास्तिवाद के जो आचार्य थे वे, इन दोनों में मतभेद हो गया। और अशोक काल में जब कुछ लोग अपने अपने मतानुसार बौद्ध धर्म की व्याख्या करने लगे, सम्राट अशोक का समय आते आते, क्योंकि तथागत के महापरिनिर्वाण को लगभग 250 साल का वक्त बीत चुका था, और फिर सम्राट अशोक का जब वक्त था तो तब बौद्ध धर्म की लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या करते थे। तो मोगली पुत्र से प्रेरित होकर धर्माशोक ने तीसरी संगति कराई थी, और इसी प्रकार
बौद्ध धर्म में उत्पन्न विविध दार्शनिक धाराओं को एकाबद्ध कर उनको एक स्वरूप देकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आचार्य पार्श्व से प्रेरित होकर राजा कनिष्क ने चतुर्थ संगीति बुलाई। तीसरी संगीति सम्राट अशोका के समय में और चौथी संगीति ये राजा कनिष्क के समय में बुलाई गई और वे भंते पार्श्व जो थे, आचार्य पार्श्व जो थे, इनसे प्रेरित होकर उन्होंने ये कार्य आरंभ किया था और उन्होंने चौथी संगीति बुलवाई थी। संगीति चौथी बौद्ध संगीति मतलब ये चौथा बौद्ध सम्मेलन। युवन संघ की यात्रा वर्णन के अनुसार ये संगीति कनिष्कपुर यानी कि आज के कश्मीर में हुई थी। आज का जो कश्मीर है वहीं पर ये संगीति हुई थी और ये संगीति को सार्थक करने के लिए 500 विद्वान भिक्षु निमंत्रित किए गए थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। किसी भी सम्मेलन में कोई सार्थक विचार जब करना होता है तो हर एक क्षेत्र से और जो विद्वान लोग हैं, मतलब भौगोलिक क्षेत्र उनका अलग अलग है, काम करने की जो उनकी परिधि है वो अलग अलग है, और वहाँ से इन सारे भिक्षुओं को, 500 विद्वान भिक्षुओं को कश्मीर में इकट्ठा किया गया था और ये चौथी संगति हुई थी। इसमें आचार्य वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। वसुमित्र ये बौद्ध साहित्य में बड़ा एक महत्वपूर्ण नाम है और आचार्य वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और साकेत से निमंत्रित होकर गए महाकवि आचार्य अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे। ये जानकारी बौद्ध साहित्य से और बौद्ध इतिहास से मिलती है कि अश्वघोष इसके इस संगीति के उपाध्यक्ष विराजमान हुए थे और आचार्य वसुमित्र जो है वे इसके अध्यक्ष थे। संगीति का प्रधान कार्य था आपस के मतभेद मिटाने के लिए त्रिपिटक पर विभाषा नाम की टीका लिखना। ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण टारगेट था इसका, इसका बड़ा महत्वपूर्ण गोल था कि जितने भी बौद्ध साहित्य में, बौद्ध विचारधारा में अलग अलग मतभेद हो गए हैं, इन मतभेदों पर टीका लिखना कि क्या क्या आक्षेप हैं इस पर, तो उन आक्षेपों को लिखना और इसे विभाषा नाम की ये टीका जो है युवन संघ प्रतिपादन करते हैं। युवन संघ ने अपने यात्रा वर्णन में इसको लिखा है, वे लिखते हैं कि इस संगीति में सूत्रों पर यानी कि सूत्र पिटक जो कि उपदेश नाम से है 100,000 श्लोकों की अट्ठ कथा यानी कि अर्थ कथा लिखी गई। ये जो अट्टकथा लिखी गई ये 100,000 श्लोकों की ये अट्टकथा लिखी गई और विनय पिटक पर विनय विभाषा नाम से, सूत्र पिटक पर सूत्र विभाषा नाम से और उपदेश के नाम से, सूत्रों पर उपदेश और विनय पिटक पर विनय विभाषा शास्त्र के नाम से 100,000 श्लोकों की अट्टकथा एवं अभिधर्म पिटक पर विभाषा शास्त्र के नाम से 100,000 श्लोकों की अट्टकथा लिखी गई। यानी कि 300,000 श्लोक इस संगीति में नए सिरे से लिखे गए जो कि पुरातन जो साहित्य था उस साहित्य को कहाँ कहाँ पर उसमें मतभेद है, कहाँ कहाँ पर उसमें विभेद है, उस पर ये श्लोक ये अट्टकथा है यानी कि अर्थकथा। अट्टकथा का मतलब होता है अर्थकथा, तो अर्थकथा इसमें लिखी गई। युवन संघ कहते हैं कि काउंसिल की समाप्ति पर, ये जो काउंसिल हुई थी, इस काउंसिल यानी कि संगीति हुई थी, इसकी समाप्ति पर राजा कनिष्क ने सारी अट्ठ कथाओं को पीतल के पट्टों पर उत्कीर्ण करवाया और पत्थरों के बक्सों में बंद करवा दिया। पीतल के पट्टों पर इसे उत्कीर्ण करवाया और इसे बंद करवा दिया और एक स्तूप में इसे रखवा दिया जो खास इसी कार्य के लिए बनवाया गया था। एक बड़ा बक्सा बनवाया गया और उसी में इसको रखवा दिया गया। तो कनिष्क के जीवन से जुड़ी यानी कि सम्राट कनिष्क, बौद्ध सम्राट कनिष्क के जीवन से जुड़ी इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे अगली कड़ी में। अब रुकते हैं, वक्त पूरा होता है, इजाजत दीजिएगा।